हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्को राउटर पर डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर में राउटर के द्वारा एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है और इस स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। इस कंप्यूटर को मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.002। इसी तरह इस कंप्यूटर को मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.003। इस कंप्यूटर को मैंने मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.004 और इसी तरह इस कंप्यूटर को मैंने मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.005। ठीक है, अब चलते हैं जरा राउटर पर। सबसे पहले हम लोग यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चलेंगे विद द हेल्प ऑफ इनेबल कमांड। और अगर मैं यहां पर आपको शो स्पेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के थ्रू, ये देखिए, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के थ्रू आप राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 10.001। स्टेटस और प्रोटोकॉल दोनों ही अप हैं। अब अगर मैं यहां से राउटर से पीसी को पिंग करना चाहूं, ये देखिए प्रॉपर पिंग कर रहा है राउटर पीसी से, 80% एक पैकेट ड्रॉप हुआ है। अगर हम लोग दोबारा से पिंग करें तो 100%। इसी तरह 10.003 से भी पिंग हो रहा है, 10.004 से पिंग हो रहा है, 10.005 सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये राउटर इन सभी क्लाइंट्स को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे, तो इसके लिए मुझे सिस्को राउटर पर या इस राउटर पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और डीएचसीपी हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को राउटर्स पर, इसके लिए सबसे पहले आप राउटर को एक्सेस कीजिए और यहां पर सिस्को राउटर पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आप प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगर मोड में चलिए विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये देखिए, अब मैं कॉन्फ़िगर मोड में आ गया हूं। अब यहां पर एक कमांड यूज कीजिए, आईपी स्पेस डीएचसीपी स्पेस पूल स्पेस पूल नेम प्रोवाइड कीजिए। ये नेम आप कोई भी रख सकते हैं, एंटर। इसके बाद नेटवर्क स्पेस, और जिस भी नेटवर्क का आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स को, वो नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद सबनेट मास्क, एंटर। देन अगर आप चाहते हैं कि यही सिस्को राउटर क्लाइंट को ऑटोमेटिक डिफॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड करे, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं default-router स्पेस, जो भी आप गेटवे प्रोवाइड करना चाहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर को, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए। देन एंटर, एग्जिट की प्रेस कीजिए, एग्जिट टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं कि डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग एग्जिट कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कुछ एड्रेसेस, इस रेंज के कुछ एड्रेसेस या इस नेटवर्क के कुछ एड्रेसेस अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। उसके लिए आईपी स्पेस डीएचसीपी स्पेस excluded-addresses, और जो भी आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं उसकी पूरी रेंज प्रोवाइड कर दीजिए। मैं चाहता हूं यहां पर हम लोग 2 कर लेते हैं, सॉरी 50। देन हाँ, मैं चाहता हूं कि डीएचसीपी सर्वर जो है, या कैस डीएचसीपी 10.002 से लेकर 10.0050 तक किसी भी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड ना करे, तो एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद कंट्रोल जेड,
चेक करने के लिए शो स्पेस रनिंग हाइफन कॉन्फिग के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं। ये देखें जरा, एक्सक्लूड रेंज क्या डिफाइन की गई है, पोल किस नेम से क्रिएट किया गया है, क्या नेटवर्क आईडी डिफाइन की गई है और डिफॉल्ट एड्रेसेस रहे। डिफॉल्ट एड्रेस यहां पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स पर। ये सभी क्लाइंट कंप्यूटर हैं। अभी देखिए, अब हम लोग 10.002 वाले कंप्यूटर्स पर हैं जिसको हमने मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। अब अगर आप इस राउटर के द्वारा इस क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टैटिक को अनचेक करके डीएचसीपी पर चेक मार्क करना होगा। और देखिए यहां पर रिक्वेस्टिंग डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। देखिए जरा, डीएचसीपी सर्वर ने इस क्लाइंट को क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, यहां पर आप देख सकते हैं 10.0051 और गेटवे क्या प्रोवाइड किया है 10.001। इसी तरह क्योंकि हमने 22250 एक्सक्लूड किया हुआ था तो 51 से आईपी एड्रेस आगे कंटिन्यू करेगा ये प्रोवाइड करना। इसी तरह सेकंड क्लाइंट कंप्यूटर्स को अगेन डीएचसीपी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये देखिए 52 इसको प्रोवाइड किया गेटवे 10.001। नेक्स्ट क्लाइंट कंप्यूटर को ये देखिए 53 क्लाइंट को प्रोवाइड किया है, इस क्लाइंट को 54। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोग सिस्को राउटर को एज अ डीएचसीपी भी वर्क करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डीएचसी सिस्को राउटर पर डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं।